नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। डेहरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन बिघा गांव में दुगोला चैता का हुआ आयोजन। चैता कार्यक्रम में औरंगाबाद जिले के चंदन ब्यास और विजेंद्र ब्यास के बीच दुगोला मुकाबला कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष तारानंद कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिला परिषद सदस्य नथुरी राम, विद्याधर विद्यार्थी उर्फ गुड्डू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जे एन वर्मा, सत्येंद्र कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू कुमार, सरपंच प्रतिनिधि मिट्टू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत पाल, शिवपूजन छात्र धनंजय सिंह ने संयुक्त रूप से मंच का फीता काटकर किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चलचित्र पर फूल और माला पहनाकर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों एवं पत्रकार बंधुओं को फूल माला देकर शोर से स्वागत किया गया। दुगोला चैता कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। आए हुए दोनों ब्यासों ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि लोग बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, माल्यार्पण करते हैं और फिर भूल जाते हैं, परंतु अपने जीवन में बाबा साहेब के विचारों को अपनाने की जरूरत है। बाबा साहेब ने जिस समय में अपने जीवन की पढ़ाई पूरी की वह समय हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जिला परिषद नथुनी राम ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज हमें अपने जीवन में उनके विचारों का अनुसरण करने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण ही आज हम लोग खुले हवा में चैन की सांस ले रहे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि चैता दुगोला हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों को दर्शाता है, आधुनिक काल में खत्म होती जा रही है। उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद दिया। दुगोला कार्यक्रम के दोनों ब्यासों को उपहार एवं फूलमाल देकर विदाई दी गई। अर्जुन बिघा के सभी जनप्रतिनिधियों को भी फूलमाल देकर स्वागत की गई। आइए देखते हैं दुगोला चैता की कुछ झलकियाँ एवं कुछ कार्यक्रम के उपस्थित साथीगण। आज का जो दिन है हिंदू धर्म के अनुसार, बहुत बहुत धर्म मानते हैं, मुस्लिम नहीं भी मानते हैं, पवित्र मंथ है। राम जी का जन्म हुआ था, रामनवमी है। इस प्रोग्राम का सम्मानित अध्यक्ष ललन सिंह जी, वरना